बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का एवरेज का टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक्स वगैरह समझाऊंगा और कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा, सिर्फ ताकि वो कंसेप्ट समझने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो आपके किप्स क्वांटिटेटिव का बुक है उससे एमसीक्यूज कराऊंगा। ओटीपी में एवरेज के इतने एवरेज के ही भी नहीं इनफैक्ट, तो किप्स क्वांटिटेटिव से करूंगा। और जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह कर लूँ। अच्छा, और वैसे भी इस बार एनईटी का डेट एक्सटेंड हो गया, 28 तक एडमिशन चला गया है और जो एनईटी के टेस्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गया, आई थिंक मिड जनवरी तक चले जाएंगे, होप सो। अच्छा, तो टॉपिक है एवरेज। एवरेज यार, आप लोगों ने अगर किसी ने सीरीज पढ़ो ना, सीक्वेंस सीरीज, उसमें एक टर्म होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन वो भी एवरेज ही होता है, बट वो मतलब एफएससी जिनका बैकग्राउंड होता है ना मैथ्स में, प्री इंजीनियरिंग वालों का, उनको थोड़ा सा पता होता है। फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि इसका पता चल जाए उनको, सही है ना। बट वो भी यही अरिथमेटिक मीन ही एवरेज होता है। अच्छा, तो व्हाट इज एवरेज? सपोज मैं आपको चार वैल्यूज दे दूं, सही है, ए कामा बी कामा सी कामा डी, सही है। मैं बोलूँ इनका एवरेज क्या होगा? इट्स सिंपल, जो चारों वैल्यूज है, जो गिवन क्वांटिटीज होती है ना, उन सबको ऐड कर दो। ये तो सबको पता है, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है, इनको ऐड कर दो। और जितने क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पे चार है ना, तो उन पे डिवाइड कर दो, सही है, इन पे डिवाइड कर दो। सो दैट इज योर एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मैं अगर सपोज बोलूँ आपसे कि एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट चार स्टूडेंट है, चार स्टूडेंट का मार्क्स है वन, लेट्स से 10, 20, 30, 40, सही है ना, 10, 20, 30, 40। और मैं बोलूँ कि इनका एवरेज निकालो, सो दैट इज वेरी इजी, 10 प्लस 20 प्लस 30 और प्लस 40, सही है ना। +40 डिवाइड बाई कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स है। सो दैट इज 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 इज 100, 100 डिवाइड बाई 4 इज 25, सही है, 100 डिवाइड बाई 4 इज 25। तो क्लास का जो एवरेज मार्क्स होगा ना एक स्टूडेंट की ना, तो वो 25 होगी। अब एक बात नोटिस करें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, इस क्वेश्चन में, सही है ना। अच्छा, इसमें यह है कि 10, 20, 10, 20, 30 और 40, सही है ना, ये अरिथमेटिक मीन बना रहे, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है ना उनमें डिफरेंस 10 टन है, सही है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक मीन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जो डिफरेंस है ना हर कंसेक्यूटिव टर्म है वो 10 टन के, मतलब कांस्टेंट है हर टर्म में ना, सही है, वो 10 टन है, सही है। तो अगर आपको इस तरह का ए पी गिवन हो, सही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है ना, और इस तरह के ऑर्डर में हो, सही है, मतलब प्रोग्रेशन होता है इसी ऑर्डर में कि नेक्स्ट वैल्यू पिछले वैल्यू से एक कांस्टेंट डिफरेंस है वो होती है, क्या कहते हैं, बड़ी होती है। मतलब 20 और 10 का डिफरेंस क्या है? 10। 30 और 20 का क्या है? 10। 40 और 30 का क्या है? 10, सही है ना। तो इसका एवरेज क्या होता है? या तो इसका एवरेज होता है ना, वो होता है क्या कहते हैं, द एवरेज ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज, या फिर ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट पूरी वैल्यूज में, जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इन दोनों को सम के लिए डिवाइड बाई 2 कर दें। 40 प्लस 10 इज 50 डिवाइड बाई 2 इज 25, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। तो यहाँ पे भी 25 आ गया और यहाँ पे भी 25 आया था। बट इफ यू सी, अगर ये मैं आपको ज्यादा वैल्यूज देता, सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ना, लेट्स से 10, 20, 30, सही है ना, एंड सो ऑन अप टू 100 दे दो, सही ना। अब ये सब सम करना एक बंदे के लिए वैसे मुश्किल बन जाता है, सही ना। तो सम करने का कोई सीन नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोग इसको देख सकते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 10 प्लस 100 इज 110, 110 डिवाइड बाई 2 कर लें, द आंसर वुड बी 55। एवरेज क्या होगा? 55 होगा पूरे क्लास का, सही है ना। अच्छा, ये तो बेसिक्स थी सिर्फ। अच्छा, अगर सारे सेट में नंबर सेम हो, अगर मैं आपको बोलना कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 2, 2, 2, 2, मैं मिसाल देता हूँ, सही, ये एवरेज है, इसका एवरेज निकालो। कितने बार 2 है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स 2, क्योंकि अगर मैं सबको ऐड कर दूँ ना तो यही बनेगा ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2, सही है ना। तो इसका ये मैंने 5 टाइम्स एक बार 2 लिख दो, सही है, डिवाइड बाई कितने वैल्यूज है? 5, तो 5 5 गेट्स कैंसल्ड, द आंसर इज 2। तो अगर सेम वैल्यू का एवरेज पूछा जा रहा है, सही ना, कि इनका एवरेज क्या होगा, आंसर वुड बी द सेम नंबर जिनका एवरेज पूछा जा रहा है, सही ना। अगर 3 3 हो तो उनका एवरेज क्या होगा? 3 होगा, सही है। अच्छा, अब एक दूसरा कंसेप्ट है कि अगर आपके पास अगर वैल्यू सेम होती है तो फिर तो ये सीन होता है। अगर सेम ना हो, सपोज 10, 31, 42, 50, सही ना, इस तरह का, तो इनका एवरेज निकालना होगा, वो आपका काम है। बट जो इसमें एक कंसेप्ट है ना, वो ये है कि जो एवरेज आता है, सही है ना, एवरेज जिसे आता है, जो इसे एवरेज का आंसर आता है ना, एवरेज, वो 10 से बड़ा होगा मगर 50 से छोटा होगा। वो जो एवरेज आता है ना, वो 10 से बड़ा होगा बट 50 से छोटा होगा, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू से तो वो बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू से वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मिसाल देख ले, अच्छा 55 है ना, 10 से तो बड़ा है बट 100 से छोटा है। यहाँ पे 25 का देख ले, 10 से तो बड़ा है ना बट 40 से छोटा है। सो ये एवरेज की दूसरी प्रॉपर्टी है, तो ये याद करना जरूरी है, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड की जाए हर नंबर में, सही है ना, देख ले,
टू और एक सेकेंड, टू कमा टू कमा टू कमा टू कमा टू, सही है ना? इनका एवरेज क्या आता है? इनका एवरेज आता है टू, सही है ना? अभी पिछले मैंने कराया, अगर इन सब में मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड कर, सपोज मैंने सब में वन वन ऐड कर दिया, तो न्यू वैल्यूज क्या हो जाएगी? थ्री कमा थ्री कमा थ्री कमा थ्री कमा थ्री, सही है ना? तो जो एवरेज होगा ना वो भी उसी वैल्यू से बढ़ जाएगा। मैंने इन सब में क्या ऐड किया? वन वन ऐड किया, तो जो न्यू वैल्यू आएगी उसमें क्या, उसका आंसर क्या होगा? उसका भी थ्री होगा। आप लोग अगर उस ऊपर वाले ट्रिक से ये कर ले, तो उसकी ट्रिक नहीं मतलब कंसेप्ट से कर लेना, इसका भी आंसर थ्री आ रहा है। बट अगर आपको ये गिवन हो ना कि इसमें मैंने कॉन्स्टेंट टर्म वन ऐड कर दिया, तो न्यू एवरेज क्या होगा? इट मीन द एवरेज वुड बी थ्री, क्योंकि हर टर्म में अगर आप वन ऐड कर देना तो एवरेज भी उसी टर्म से इंक्रीज हो जाएगा। सो टू प्लस वन वुड बी थ्री, सही है ना? अच्छा नेक्स्ट है, मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा अब सम निकालना होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि क्लास में चार बंदे हैं, सही है, चार बंदे हैं और चारों का एवरेज आ रहा है 24, सही है ना? क्लास में चार बंदे, सही है, फोर बॉयज, फोर बॉयज है क्लास में, उनका एवरेज आ रहा है स्कोर का 24, सही है ना? तो उनके सारे स्कोर को सम करके क्या आएगा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्लास में चार बॉयज हैं, उनके सम आ रहा है, सॉरी उनका एवरेज आ रहा है 24, तो उनका सम क्या होगा? तो मैं मान लेता हूँ कि बॉयज है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है ना? प्लस सी प्लस डी, सही है ना? ये डिवाइड बाई फोर, इनका एवरेज मुझे क्या गिवन है? 24। देखिए एवरेज में आपको दो चीजें गिवन होती है, एक चीज मांगा गया है, ये सम या मांगा गया होगा या ये एवरेज मांगा गया होगा, या फिर ये दो गिवन होगे और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगे गए होंगे, सही है ना? तो बस दो आपको गिवन होगे, तीसरा आपने मालूम करना है। तो अभी इसमें मुझे फोर भी गिवन है, 24 भी मतलब एवरेज भी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है, तो मुझसे सम पूछा गया है। तो फोर को शिफ्ट करें, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है ना? ये मांगा गया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है ना? ये मांगा गया है, 24 4 96, सही है ना? 24 2 48, 48 मल्टीप्लाई 2 से 96 आता है, सही है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी, तो चारों का सम क्या होगा? 96 होगा। अब देख लें, अगर वो आपसे बोले ना कि क्लास में चार बंदे, सही है ना? एक का नाम है असलम, सही है ना? मिसाल देते हैं, असलम, दूसरा है बासित, बासित और तीसरा है अब सी से मैं कौन सा नाम ले लूँ, बस जो भी है ना, सी को ना वो क्रिस नाम दे, सही है? अच्छा, तो आपसे बोले कि डी दानिश का स्कोर बता दे, सही है ना? दानिश का स्कोर बता दे, तो तीन का स्कोर आपको गिवन है, सपोज इसका 10 गिवन है, इसका 20 गिवन है और इसका 30 गिवन है, सही है ना? तो आपसे बोला है कि दानिश का मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह फ्रेम करके दिया, स्टार्ट में ये बोला हो कि एवरेज है क्लास के चार बंदे की, एवरेज है 24, जिसमें से असलम के 10 मार्क्स है, बासित के 20 मार्क्स है और इसके 30 मार्क्स है, तो दानिश के कितने मार्क्स हो गए? तो आप लोगों ने ये करना है, पहले तो ये सीन कर लेना है, सही है, सम निकाल लेना है पूरे। तो आप लोगों ने ये बोला कि चलो टोटल सम तो चारों का आता है 96, अब इसमें तीन बंदों का पुट कर ले, ए की जगह पुट कर ले 10, बी की जगह पुट कर ले 20 और सी की जगह पुट कर ले 30, सही है ना? 30 इज इक्वल टू 96 और प्लस डी साइड पर कर ले, सही ना? डी दानिश का आप लोगों ने मालूम करना है, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 को उधर शिफ्ट करें, सो डी वुड बी इक्वल टू 96 माइनस 96 माइनस 60, दैट वुड बी इक्वल टू 36, सही ना? दैट वुड बी इक्वल टू 36, तो दानिश का स्कोर कितना होगा? 36 होगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, वैरायटी के क्वेश्चन जिस तरह थे उसमें ये होता है कि आपको या तो एवरेज सिंपली मालूम करना होगा, या फिर आपको ये मालूम करना होगा कि क्या एवरेज क्या कहते हैं, ये एमसीक्यू भी हो सकता है कि एवरेज क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से छोटा होता है या बड़ा होता है, जो भी मैंने समझाया, अगर सारे क्वांटिटीज सेम है, सपोज वन 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 और, तो उनका एवरेज क्या होगा? अगर सारे क्वांटिटीज को एक कॉन्स्टेंट नंबर के साथ उनके साथ एक कॉन्स्टेंट नंबर ऐड किया जाए, फिर एवरेज में क्या फर्क पड़ता है वगैरह, सही है ना? तो इस तरह के पूछ जाएंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यही है, समेशन वाले आते हैं ज्यादा, आपको दो दो एवरेजेस गिवन होंगे कि दो चीज़ों का एवरेज इतना है ना, और मैं इसे एक एमसीक्यू कर लेता हूँ। अच्छा क्लास में चार बंदे, सही है, फोर बॉयज, सही है ना? फोर बॉयज है क्लास में, फोर बॉयज है। अच्छा वही ले लेते हैं, असलम, असलम बासित, बासित थर्ड ले लेते हैं कमरान, सही है कमरान, और चौथा ले लेते हैं दानिश, सही है दानिश। अच्छा अब देखिए आपको गिवन है कि चार बॉयज का समय 96, चार बॉयज का समय 96, सही है ना? जो अभी ऊपर क्वेश्चन है आपको बोला कि असलम और बासित का अकेला जो क्या कहते हैं एवरेज है, असलम, ये बात समझने की, असलम और बासित का जो एवरेज है वो 10 है, असलम और बासित का जो एवरेज है 10 है, टोटल जो एवरेज है वो 24 है, मैंने तो डायरेक्टली सम निकाल दिया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा टोटल जो चार बॉयज का है वो है 24, सही है ना? टोटल चार बॉयज का एवरेज है 24, असलम और बासित का है 10, तो कमरान और दानिश का कितना एवरेज होगा? तो अभी देख लें, आप कर ले ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये के लिखा तुम कमरान का, प्लस के प्लस डी, सही है, प्लस डी डिवाइडेड बाई फोर, दैट इज इक्वल टू 24, ये आपको गिवन है, सही है? तो आपने सारा सम निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस
प्लस के प्लस डी, सही है ना? तो ये आपके पास आता है 96, तो चारों का सम आता है 96। दूसरी कंडीशन गिवन है कि असलम और बासित का एवरेज है 10, तो अब ये अकेले कर ले, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू 10। तो ए प्लस बी का सम कितना गया? आपको यहाँ पे मिसिंग क्या है? आपको यहाँ पे ए प्लस बी की वो मिसिंग है। अगर ए प्लस बी मिल गया तो के प्लस डी का एवरेज आप लोग खुद निकाल सकते हैं, सही ना? तो ए प्लस बी के लिए आपको गिवन है कि एवरेज उनका 10 है, तो ये शिफ्ट करिए दो दिन। देखिए दोनों सम के कंसेप्ट गिवन है, दोनों में सेम कंसेप्ट यूज हुआ है, सही। ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, सही है ना? 20, तो ए प्लस बी की जगह 20 पुट कर ले, 20 प्लस के प्लस डी, सही है ना? तो 96 इज इक्वल टू 96, तो 20 को शिफ्ट करें के प्लस डी आ जाएगा, के प्लस डी वुड बी इक्वल टू 70, सॉरी 76 इनफैक्ट 76। तो अब कमरान और दानिश का एवरेज पूछा गया, तो यहीं पे भी 2 से डिवाइड कर ले, यहीं पे भी 2 से डिवाइड कर ले, के प्लस डी डिवाइड बाई टू एवरेज ये ना दोनों का, तो इससे आता है आई थिंक 38 आता है, सही है ना? 38 12 16 2 3 660 प्लस 16 9 76 आता है, सही है? तो ये कुछ बेसिक कांसेप्ट्स है एवरेज के, जो इसके नेक्स्ट कांसेप्ट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और क्या कहते हैं, इसमें बस सिर्फ इतने ही सिंपल चीज है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिजनेस मैथ्स इजी ही होता है, जो मुश्किल क्वेश्चन है तो वो मैं करा दूंगा, इतने मुश्किल आते भी नहीं है, और एनबीएस हो या आईबीएम वगैरह हो। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपको कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो बिजनेस या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो तो उनको प्लीज चैनल रिकमेंड कर दें। थैंक यू सो मच।